नमस्कार दोस्तों, मैं किरण वशिष्ठ लैके हाजरा खरिया 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 गल करते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मोगा रैली दे भाषण देन लगे तो उन्होंने लोग सभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये बयान जरूर दे दिता कि जो बेअदबी के मामले में दोषी ने उन्होंने बख्शा नहीं जाएगा। बड़े कड़े शब्दों के भाषण दे रहे सन कैप्टन साहब, तो कैप्टन साहब का पहला वो बयान सुन दिया तो उस तो बाद कर दिया गल। अगर कोई सोच रहा है कि मैं हिंदू सिख फसाद कराऊंगा, गीता फसाद फाड़ दूंगा या कुरान फाड़ दूंगा या गुरु ग्रंथ साहब फाड़ दूंगा और कौमां लड़ पैणगियां साडे सियासत वास्ते, ये मैं देखूंगा ये कैसे अकाली करदे ने, इन्हां नूं कल्ले कल्ले नूं अंदर डकांगे असीं, तुसीं परवाह ना करो। इस अगर इस नूं इहदा कोई हल नहीं कढ़नगे तो अगले 10 सालां दे विच 60,000 करोड़ रुपया कित्थे जाऊगा पंजाब दे वास्ते। और उहनां वास्ते मैं मोदी नूं मिलिया एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार के चक्को प्राइम मिनिस्टर साहब, आज जी सा 31,000 है थोड़ा है पैसा, हाँ करेंगे देखेंगे करेंगे देखेंगे, बस उसे देखने डुकन ही रह गए। तुसी हुण तकड़े होना है, तुसी हुण अपने मोढ़िया ते भार चकना है, असी सारे कट्ठे लड़ांगे। और वाहिगुरु की कृपा नाल यह अकालिया की समाप्ति, बीजेपी की समाप्ति और कांग्रेस का झंडा इत्थे लड़ाऊगा और देश में लड़ाऊगा। सो कैप्टन साहब ने तो यह भी कह दिता कि हुण अकाली दल भाजपा का खात्मा होएगा तो साडा झंडा इत्थे लहराएगा। ये सारे शब्द उन्होंने बोल दिते। लेकिन कैप्टन साहब, तुसी जदों सरकार बनी सी उस वेले भी काफ़ी ज़्यादा वादे किए सी, वो वादिया का की होया, वो जिहड़े वादे किए सीगे वो किन्ने क पूरे होए उहदे बारे भी दस दिओ। खैर चलो, तुसी लोक सभा चुनाव जितने की पूरी कोशिश कर रहे हो तो हो सकता कि शायद थोड़ी कोशिश पूरी होवे, ये तो आने वाला समा ही दसेगा। लेकिन थोड़ा जिहड़ा बयान सीगा बहुत ही कड़ा बयान सीगा कि उन्होंने दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा जो भी अदबी मामले में ने, ये देखना होएगा कि तुम अपने कहे हुए कथनों पर कितना सही उत्तर दे। सो इस तरह देखते रहो एवन पंजाबी निडर निरपक्ष ते नवी सोच। For new updates, please subscribe A1 News and click the bell icon.